फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। हम इस सीरीज में बात करें एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंडियन टेस्ट भी हैं और नॉन इंडियन टेस्ट भी हैं, और साथ में कुछ अनपब्लिश टेस्ट हैं। तो इस वीडियो से हम बात करेंगे एक एक टेस्ट के डिटेल के बारे में, वो टेस्ट क्या हैं और कितने सारे टेस्ट उस पर्टिकुलर पर्पज को सेस करने के लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन उनके ऑथर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहां से studymaterialzone.com वेबसाइट को ओपन करके रिसोर्स सेक्शन में जाके साइकोलॉजिकल टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जाके आप एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड पे क्लिक करेंगे तो एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो टेस्ट्स हैं उनके नाम बताने से पहले ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि एबिलिटी, जैसे इसमें है एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, तो एबिलिटी क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है और इसके असेसमेंट का पर्पस क्या है, क्यों असेस करते हैं। तो एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एबिलिटी टेस्ट का एम क्या होता है, टू मेजर एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। इसमें आप बहुत सारे एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशियल अवेयरनेस एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसी तरीके से हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, ये फोकस करता है ऑन असेसिंग एन इंडिविजुअल पोटेंशियल टू अक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स एंड एक्सेल इन पर्टिकुलर एरियाज। इसमें हम क्या एक्सप्लोर करते हैं, वर्बल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग और बहुत सारे अदर डोमेन्स। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई देयर नेचुरल इंक्लिनेशन, स्ट्रेंथ एंड एरियाज, जहाँ पे वो एक्सेल कर सकते हैं, उनको थोड़ा हम गाइड करके उनको उनके सुटेबल करियर की तरफ या एजुकेशनल परस्यूट की तरफ हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक लिस्ट दी हुई है एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो इंडियन है, इंडियन टेस्ट मतलब इंडियन ऑथर्स ने डेवलप किए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कितने सारे टेस्ट हैं, अभी तक ये अपडेटेड है 84 एंट्रीज, यानी कि इस टेबल में 84 टेस्ट हैं, और यहाँ पे हर पेज पे आपको 10 टेस्ट दिख रहे हैं। तो आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक पेज पे आपको कितनी एंट्रीज देखनी है, एक साथ 25 देखनी है, 25 पे क्लिक करने के एक साथ 25 आ गए, एक साथ 100 देखना है, जितना भी यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं। साथ में यहाँ बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का, अगर आपको पता है किसी टेस्ट का नाम ऑलरेडी आप जानते हैं और सर्च करके देखना चाहते हैं कि उसका ऑथर कौन है, या ऑथर का नाम जानते हैं आप टेस्ट का नाम जानना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप सर्च करेंगे। जैसे मैं एक ऑथर का नाम का मुझे टाइटल पता है, अगर मैं वो टाइप करूँ OJH ओजा, तो इनके दो टेस्ट हैं। देखिए यहाँ पे फिल्टर होके ऑटोमेटिकली फिल्टर होके जैसे आप टाइप करते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाता है, कोई बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ टेस्ट का नाम आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ सीरियल नंबर वाइज है, देखिए सीरियल नंबर को सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, देखिए ये सारी सॉर्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखिए ये सॉर्ट हो गया। टेस्ट के टाइटल के नाम से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं इस लिस्ट को, वो भी आप कर सकते हैं, देखिए ऑथर के नाम से सॉर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है एक एडवांस लेवल का सर्च फिल्टर के साथ आपको डिटेल प्रोवाइड करता है ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हमने 25 एंट्रीज पे ऊपर सेलेक्ट किया था तो 25 एंट्रीज एक साथ दिख रही है, बेटर है 10 करके आप देखें, और नेक्स्ट आप करते जाएंगे और नेक्स्ट पेज खुलता जाएगा। तो ये हमने बात की एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट की, कितने सारे इंडियन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो लिस्टेड हैं NCERT के अंदर, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे आपको हेल्प ये होगा कि अगर जब आपको नाम पता चल गया टेस्ट का नाम क्या है, उसका ऑथर कौन है, तो सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको सर्च करना है ये टेस्ट कहीं फ्रीली अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ये, और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो डायरेक्टली गूगल पे ऑटोमेटिकली बिना टाइप के सर्च हो जाएगा, तो बाकी आप आगे फाइंड कर सकते हैं वेदर दिस टेस्ट आर
फ्रीली अवेलेबल और नॉट। एक वेबसाइट है शोध गंगा, उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में बात करते हैं अगले साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।